बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा एक बार फिर गर्म होने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे महागठबंधन सरकार में कांग्रेस पार्टी 2 सीटों की मांग कर रही है। पिछले कई महीनों से बिहार में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा चल रही है, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों में अंदरूनी सहमति नहीं बनने की वजह से नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। इधर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चा छेड़ दी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा तेवर अपना लिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि हमारी पार्टी को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी सरकार में मजबूती के साथ शामिल है और काम कर रही है। पार्टी को वाजिब हक हर हाल में देना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के विभिन्न बोर्ड निगमों में कांग्रेस पार्टी को उचित स्थान मिलेगा। कहीं ना कहीं अब अखिलेश सिंह अब इस समझौते के मूड में नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की माने तो जल्दी ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और उसमें कांग्रेस पार्टी को जगह दी जाएगी। कांग्रेस की ओर से 2 मंत्री पद की मांग लगातार की जा रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि इसे लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से बात की गई है। पटना वापस आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद तारीख तय हो जाएगी कि कब नए सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में लंबे समय से कांग्रेस अपने 19 विधायक के बल पर मंत्रिमंडल में 4 सीटों की डिमांड कर रही है। अखिलेश सिंह के तेवर से लगता है कि कांग्रेस की यह मांग अब जल्द पूरी होने वाली है। फिलहाल नीतीश मंत्रिमंडल में कांग्रेस पार्टी से 2 मंत्री हैं। दलित कोटे से मुरारी प्रसाद गौतम और अल्पसंख्यक कोटे से अफाक आलम को मंत्री बनाया गया है। पार्टी मंत्रिमंडल में और 2 सीटों की डिमांड कर रही है। अखिलेश सिंह लगातार इसके लिए प्रयासरत है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले भी बात कर चुके हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक के बाद राहुल गांधी ने भी नीतीश कुमार और लालू यादव से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात की थी। आपको बता दें कि मोदी सरने में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी जो है ने रविवार को लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। जमकर मटन चावल की पार्टी भी चली। जानकार बता रहे हैं कि नीतीश कैबिनेट विस्तार का विवाद राहुल सुलझाने गए थे। ऐसे अटकलों की हकीकत क्या है, ये कैबिनेट विस्तार के साथ ही सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर लिया। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें।